देखिए, ये हमारा छोटे शिमला में हमारा तीसरा ग्रुप बैठा है, जो 50 महिलाओं का ग्रुप है। दो अलग अलग ट्रेनिंग हमारी चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और स्टेट कॉमर्स के माध्यम से नीटिंग और एक गुरु शिष्य का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें डॉल्स बनाने का और स्टिचिंग का काम हमारा चल रहा है। इसमें आज 50 महिलाएं का लगभग इनको एक महीना हो चुका है, और इसी तरह से हमारा ये तीसरा प्रोग्राम था। और इसमें इसके साथ साथ मैंने आज हमारे स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक है, जिसको ब्राज़ील में जाकर के हिमाचल प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक को बहुत अच्छे लेवल पे उनको एक महिलाओं के प्रति जो काम किया जा रहा है इस बैंक के द्वारा, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। और उसके बारे में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आए थे, मैंने माननीय चेयरमैन जो देवेंद्र श्याम जी, उनके माध्यम से हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपनी कोऑपरेटिव बैंक की जो स्कीम्स है, उस स्कीम्स को यहाँ पर बताया जाए और जो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जिसका फ़ायदा हो। क्योंकि हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके इसको उनको बुलाया था। आज वो जनरल मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर आया था। किस तरह से महिलाएं अपने लोन ले सकती हैं किसी भी कार्य करने के लिए, 21,000 से लेकर 51,000 से 1,00,000 रुपये तक का, और एक बच्चों की एक स्कीम है जिसको 5,000 से लेकर मिनिमम जो पैसा है 5 ईयर्स के लिए डाले, और इसको 5 टाइम के लिए लोन मिलता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के लिए। इसके अलावा जो महिलाएं जो विधवाएं महिलाएं हैं वो भी है, जिनको बच्चों को कुछ पति या जो उनके छोड़ जाती हैं, जो छोड़ी हुई महिलाएँ होती है उनके आगे बच्चे हैं, उनको बच्चों के लिए कैसे शिक्षा का प्रदेश की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने स्कीम को लॉन्च किया है, उसको उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाया जाए, वो उसका मकसद ये था कि आज हम लोग ये 70 महिलाएं छोटा शिमला में एकत्रित हुई थी और इसका हमारा प्रोग्राम भी चला था, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिया जाए, इसी संदर्भ में आज मैंने इसको इस वर्कशॉप को बुलवाया। बिल्कुल, मैं शिमला के हमारे जो स्वयं सहायता महिला केंद्र बने हैं, उसके अलावा भी जहाँ जहाँ मुझे हमें स्पेस मिलेगा, हम हर महिलाओं को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, जो होता क्या है कि सरकार की जो स्कीमें होती हैं, वो चाहे केंद्र की सरकार की स्कीम है चाहे प्रदेश की स्कीम है, वो महिलाओं को उसकी जानकारी नहीं होती है। उसको हम अवेयरनेस से कैंप के तौर पर मैं लगाना चाह रहा हूँ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर्स आ रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर्स आ रहे हैं हर जगह के। उसमें जो शिमला में कोऑपरेटिव बैंक की बहुत ब्रांचेज खुली हुई है, हर वार्ड में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उसका फ़ायदा उठाएं और अपने अपना ना केवल अपना रोज़गार बढ़ाएं, बल्कि बच्चों का जो हमारे सरकार की जो योजना है उसको उनका उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। कोई भी स्कीम हो उसका सबको फ़ायदा मिलना चाहिए।